स्टूडेंट वेलकम टू मॉड्यूल वन नाइंटी फाइव इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि डेफिनेटली यू डू हैव नॉट हर्ड अबाउट इट बिफोर वी आर गोइंग टू कवर इंडस्ट्री फोर जीरो इंडस्ट्री फोर ज़ीरो जो है ये बेसिकली फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री फोर जीरो और इसका थोड़ा सा हम इसको टच करेंगे ताकि आपको जो इसकी इंपॉर्टेंस है इन द मॉडर्न वर्ल्ड स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग उसकी प्लानिंग उसकी मैनेजमेंट उसके परस्पेक्टिव में हम इसको देखेंगे जैसे मैंने बताया कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन मैन्युफैक्चरिंग अगेन इसकी जो बुनियाद है जो इसकी फाउंडेशन है दैट इज बेस्ड ऑन इंटरनेट एंड टेलीकॉम जो आपकी फोर जी और फाइव जी के डेफिनेटली आप इन कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ होंगे या आपने पढ़ा होगा सुना होगा कुछ ना कुछ इनके बारे में तो बेसिकली ये इस पर इसकी डिपेंडेंसी है सारी और इसका जो दूसरा एक एंगल है दैट इज़ कॉल्ड एक और चीज़ आपने कॉन्सेप्ट सुनोगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आई ओ टी और ये इंडस्ट्री फोर जीरो दिस इज़ इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो आई आई ओ टी तो इंडस्ट्री फोर जीरो जैसे मैंने बताया दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट बेसिकली होता यह कि अगर आप किसी भी जस्ट इमेजिन जो भी मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री जिससे आप वाकिफ हैं जस्ट थिंक अबाउट इट अगर एक प्लांट है जो गाड़िया मैनुफेक्चर कर रहे हैं या मोटरसाइकिले मैनुफेक्चर कर रहे हैं आप उसको जस्ट इमेजिन अबाउट दैट अब उसको मैनेज करने के लिए देर इज अ होल टीम एक पूरी टीम होती जो कि उसका जो पूरा मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस है एक स्टेशन से दूसरा तीसरा और एंड में गाड़ी तैयार होकर बाहर निकलती है अब इमेजिन करें जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो दे आर सिटिंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो जैपनीज़ टोटा का एक मैनुफैक्चरिंग प्लांट है जो कि साउथ अफ्रीका में है और उसका जो मालिक है वो जापान में बैठ कर उसको देखना चाहता है तो वट पीपल ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि आप वो कैमरे लगा के उसके देखे होता ये कि आप एक डिजिटल इमेज ऑफ द फैक्ट्री इज क्रिएटेड वो आप क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर जो डाटा आ रहा है दैट इज़ रियल टाइम जो कुछ वहाँ पे होता है किसी एक टाइम पे किसी एक वर्क स्टेशन पे या एक वो जो उसका पैड आप उसको कह लें जो रोबोटिक्स आर्म काम करते हैं एवरीथिंग इज़ प्रोड्यूसिंग डेटा वो जो रोबोटिंग आर्म्स हैं वो जो डेटा प्रोड्यूस करते हैं उसके अलावा जो वहाँ पे जो ऑपरेटर्स काम करें वो जो डाटा पंच करते हैं वो सारे का सारा डाटा रियल टाइम में आपका एक जो फिज़िकल फैक्ट्री है उसके साथ साथ वो जो उस फैक्ट्री का एक ट्विन है उसका आप कह सकते हैं इसका उसका एक डिजिटल जो तो ट्विन है उस फैक्ट्री का उसके अंदर हर चीज वहाँ पे आपको डिजिटली नज़र आती है रियल टाइम और नियर रियल टाइम तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री फोर जीरो का जिसमें एवरी थिंग इज फुल्ली कनेक्टेड कि आपके कस्टमर आपके सप्लाई जि, बेसिकली जितने स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी के एम्प्लॉज कंपनी के कस्टमर आपके जो पार्टनर्स हैं जो कि आपके डिफरेंट प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि आपके वेंडर्स हैं एवरी वन इज़ कनेक्टेड टू द सेम सिस्टम तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री फोर ज़ीरो का अच्छा इसके अंदर जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की हमने बात की हम अगर मैं आपको ऑटोमोबाइल से हट के एक और इंडस्ट्री है जहाँ पर यह आपकी सर उसे कहते हैं सरफेस माउंट टेक्नोलॉजीज़ जैसे फॉर एक्ट आप आपने मोबाइल फ़ोन की एग्जाम्पल लेकिन आप अपना मोबाइल फ़ोन खोलें या आप अपना लैपटॉप को ओपन करें तो उसके अंदर आपको एक मदर बोर्ड नज़र आएगा वो एक उसे कहते हैं पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड अब उसके ऊपर बेशुमार जो है ना आई और ट्रांसिस्टर्स और इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं उसके अंदर आपका सी भी होता है आपकी रैम भी होती है ये सारी चीज़ें उसके ऊपर जो है वो है अब ये जो काम है ये एक होती है उसे पूरी प्रोडक्शन लाइन है जिसके ऊपर होता है एक मशीन है फर्ज़ करें वो उसको चीज़ों को उठा के आगे रखती है।, है अगर रोबोटिक आर्म्स लगे हुए हैं वो उसके ऊपर जो डिफरेंट आपके आईसीज लगी हुई हैं जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी रैम की या आपका सी पी यू की या आपके ग्राफिक कार्ड की तो वो जो रोबोटिक काम हाँ है वो डिफरेंट वो जो पार्ट्स हैं उनको उठाता है उनके ऊपर टक 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 उनके ऊपर प्लेस करता है वो फिर ऑटोमेटिकली सोल्ड होते हैं जैसे कि हम वी अंडरस्टैंड कि वो जो सोल्डरिंग का प्रोसेस क्या है वो एवरी थिंग हैपन ऑटोमेटिकली उसके बाद वो फिर कन्वेयर से चलता है आगे जाता है और एंड में एक मशीन लगी होती है जिसे कहते हैं ए ओ आई आटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन वो जो ऑप्टिकल ऑटोमेटिक वो फिर उसको देखता है मैयर करता है कि इसकी जो जो उसके ऊपर उसने जो वो लगाई हैं वो सही तरह बैठ गई हैं या नहीं बैठी का टांके का साइज़ सही है जो शोल्डर किया उसका साइज़ ठीक है और फिर उसकी वो एक विजुअल टेस्टिंग होती है और उसके बाद जो राइट पीसीज होते हैं वो एक तरफ और जो के क्वालिटी कंट्रोल से पास नहीं होते ए से वो दूसरी तरफ रख देते अब आप ये देखें कि ये जो सारा प्रोसेस है दिस इज़ फुल्ली ऑटोमेटेड और इसके अंदर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं है अब इस सिस्टम को आप इंडस्ट्री फोर जीरो की एक एग्जांपल कह सकते हैं अब इसके अंदर जो डिफरेंट मशीनें यूज़ हो रही हैं वो कोई स्टैकिंग मशीन है कोई पिक एंड प्लेस है जैसे जैसे मैंने ए ओ आई की एग्जाम्पल ये सारे डिफरेंट मैनोफेक्चर की हैं कोई चाइना की बनी हुई है कोई जापान की बनी हुई है कोई यूरोप की बनी हुई है तो हर मशीन जो है ना वो डाटा प्रोड्यूस करती है जब आपने इस आ, पूरी असेंबली लाइन का एक डिजिटल इमेज क्रिएट करना है डिजिटल ट्विन क्रिएट करना है तो इट मीन्स डैट कि आपको वो जो सब मशीनों का डाटा है यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट डाटा फिर आपने उसको उसका जो डिजिटल इमेज है उसके ऊपर लोड करना है ताकि वो जो उसकी वो जो सिमुलेशन है उसके ऊपर वो डाटा आपको वही नज़र आए जो कि फिजिकल मशीन पे या फिज़िकल मशीन के ऊपर जो मॉनिटर लगा उसके ऊपर नजर आए तो ये जो सारा प्रोसेस है दिस इज़ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री फोर इसके अंदर बहुत बड़ा जो पार्ट है वो अगेन डेटा एक्सट्रैक्शन हर जो मशीन है जी जो जो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी है वो ये कि एक मशीन है वो को डाटा प्रोड्यूस करे किसी एक फॉर्मेट में दूसरी मशीन है वो डेटा प्रोड्यूस करे किसी और फॉर्मेट में तीसरी मशीन है वो डाटा प्रोड्यूस करे किसी तीसरी फॉर्मेट में और वो डेटा की टाइप्स भी डिफरेंट है फॉर्मेट्स भी डिफरेंट अब यहाँ पर जो रोल है ना आपका जो आप लोगों ने फर्ज करे पाइथन सीखी आपने ई की टेक्निक सीखी यू you नो know, आपने डाटा को स्टोर कैसे करना है डाटा लेक सीखा वो सारी चीज़ें जहाँ पे प्रैक्टिकली यू विल अंडरस्टैंड यू विल एक्सपीरियंस दैट कि आपने हर फॉर्मेट के डाटा को उठाना है उसको कन्वर्ट करना है इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में फिर आपने उसको डाटा में लेके जाना है फिर उसके ऊपर आपने डिफरेंट जो है एनालिटिक्स वो परफॉर्म करने हैं तो दिस इज़ दी यू नो जिसे कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट है एक पूरी शिफ्ट है आपकी मैनोफैक्चरिंग में जो कि आपकी कन्वेंशनल मैनुफैक्चरिंग इवन के थर्ड जनरेशन थी जो आपकी मैनुफैक्चरिंग की उसमें और फोर्थ जनरेशन मेंज़ अ वेरी वेरी ह्यूज डिफरेंस कि इसमें आप किस तरह से आपकी चीज़ें जो है वो आप उनको एक जगह से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं इसकी तो हर इंडस्ट्री के अपने अपने डाटा सोर्सेज हमने बात की कि अगेन आई जस्ट री आई टी रेट टॉकिंग ओनली हेयर अबाउट डेटा बिकॉज यू आर इनशा गोइंग टू बी अ डेटा साइंटिस्ट एंड जो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है दैट विल बी अगेन डेटा 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 राइट ये जो इंडस्ट्री फोर जीरो अब इसके अंदर भी जो डिफरेंट इक्विपमेंट है जो डिफरेंट प्रोडक्शन की मशीनें हैं इवन आप कोई भी इंडस्ट्री ले लें आजकल तकरीबन तो हर इंडस्ट्री जो है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप ले लें आप अपनी जो कार मैनुफेक्चरिंग ले लें आप अपनी ऑटोमोटिव ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री ले लें सब के अंदर जो डिफरेंट आपके इक्विपमेंट हैं जो मशीनरी है वो ऑटोमेटेड है और वो अपना हर एक के अंदर इवन सम टाइम दे हैव देयर ओन बिल्ट इन पीसीज वो अपना डाटा प्रोड्यूस करते हैं उनका अपना डाटा बेस है या वो आईओटी बेस्ड है तो वो डेटा जनरेट करते हैं बेसिकली और आपने यही अंडरस्टैंड करना कि ये जो एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एज अ डेटा साइंटिस्ट आपकी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन वो ये कि जो वी आर टॉकिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग डेटा सोर्सेज अब आई के अंदर तो जो डेटा सोर्सेज है वो आपके आपकी प्रोडक्शन लाइंस है प्रोडक्शन लाइंस भी हो सकती हैं फिर आपकी जो ई के साथ एक और सिस्टम होता है जिसे कहते हैं एम मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग मैनूफैक्चरिंग के लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए उनकी डिटेल्स आपको चाहिए उसके जो परचेज ऑर्डर हैं जो आपका पूरा प्रक्योर का सिस्टम है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए फिर आपके जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सिस्टम है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए फिर आपको जो और आपके डिफरेंट uh, सिस्टम है uh, मेंटेनेंस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल प्लांट मेंटेनेंस के अपने मॉड्यूल्स हैं पूरे पूरे सिस्टम अवेलेबल हैं जो कि आप जिनके ऊपर आप प्लानिंग करते हैं कि फ़लह जो मेरा इक्विपमेंट है फल जो मेरा मशीनरी है वो कब उसका डाउन टाइम आएगा और कब वो कब बंद होगी और वो आपके जो प्रोडक्शन प्लानिंग है वो उसके साथ अलाइंड है एवरी थिंग इज़ अलाइंड इफ़ यू अलाउ मी टू यूज़ द वर्ड ऑर्कस्ट्रेट अगेन कि हर चीज़ ऑर्कस्ट्रेट है एक बड़ी या अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो कि इंडस्ट्री थ्री या इंडस्ट्री फ़ोर जीरो के लेवल पे काम कर रही है वहाँ तो पे हर चीज़ एक, को, तो को दस, 30, 40, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है और अगर इसमें भी आप देखें तो दस बीस तीस चालीस पचास तक डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो सकती हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होती हैं और हो सकती हैं जो इसका यूज़ केस है आ, दे दे देर काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर इसके अंदर एक इट्स सेल्फ जो सबसे बड़ा यूज़ कैसे जो इक्विपमेंट जो प्लांट जो मशीनरी आप यूज़ करें उसकी जो अपनी कैलिब्रेशन है क्योंकि वो जो मशीन है वो भी डेटा प्रोड्यूस कर रही है देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर कुछ आपका बायस क्रिएट हो जाए फिर उसके अलावा जो क्वालिटी इश्योरेंस की मैंने आपको ये जो एस एम टी प्रोडक्शन लाइन की एग्जाम्पल दी कि जो ए आई है वो एंड में जाके आपका जो क्वालिटी कंट्रोल पर काम करती है हर प्रोसेस पे अगर आपने फ़र्ज़ करें सौ पीस डाले तो हर स्टेज के बाद एवरी थिंग इज़ बीन चेकड फॉर द क्वालिटी विच इज़ कॉल्ड बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस कि हर स्टेप पे आप क्वालिटी को चेक करते और एंड ऑफ द डे आपने या एंड ऑफ द शिफ्ट आपके या एंड ऑफ द एक अगर आइटम भी अगर आपने फ़र्ज करें एक कोई आपका जो उसे क्या कहेंगे कि लॉट है वो आपने शुरू किया तो उसमें आपकी जो प्रोडक्शन रेशियो है आपकी गुड कितने आए बैड कितने आए जो फिर उसके अंदर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो जो डिफरेंट एरर्स या डिफेक्ट्स आते हैं उनका डेटा वो डिफेक्ट्स क्यों आ रहे हैं किस तरह के डिफेक्ट आ रहे हैं उसमें क्रिटिकल कितने हैं कितने हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं तो ये एक बेहतरीन यूज़ केस है इंडस्ट्री फोर या मैनुफेक्चरिंग के अंदर आप कह लें कि जो क्वालिटी इश्योरेंस है अब ऑटोमेटिक अगर आप इसको थोड़ा सा ऑटोमेटिक रखें तो इससे पहले भी ये वो होता है ये काम लेकिन अब इन इंडस्ट्री फोर जो आपका क्वालिटी इश्योरेंस है दैट इज़ हैपनिंग ऑटोमेटिकली एंड इट इज़ बीइंग रिपोर्टेड और आप इसमें अपना जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आप इसमें थ्रेश होल्ड डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मेरी जो डिफेक्टिव पीसीज हैं इनकी जो परसेंटेज या रेशो सपोज़ आप कहते हैं नाइन्टी से ऊपर जाए तो जो है ना फर्ज़ करें नाइन्टी होती है नाइन्टी होती है, तो मेरी प्रोडक्शन रुक जाए ये ना हो कि वो कंपनी जो है वो डिफेक्टिव पीस मैनुफेक्चर करती रहे तो ये This is one of the use cases for the quality assurance and calibration of the equipment. Thank you.